भैया बहुत सारे बैकलॉग इकट्ठा हो गए हैं, आगे की क्लासेस करने जाओ तो समझ नहीं आता क्योंकि पुरानी चीज़ें भूल गई हैं, और पुराने बैकलॉग कवर करने जाओ तो आगे की चीज़ें फिर से इकट्ठा हो जाती हैं, पाइल अप होके नया बैकलॉग बन जाता है। रिवीजन करने का शेड्यूल भी बनाता हूँ, सोचता हूँ 10 घंटे 12 घंटे अब तो कम से कम पढ़ूंगा, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है कि मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, और फिर बुरा भी लगता है कि मैंने सिलेबस अभी तक ख़त्म नहीं किया है। नए चैप्टर्स पढ़ने जाता हूँ तो पूरा पार्ट वन एनसीईआरटी भूल चुका हूँ, शुरुआत के सारे चैप्टर्स ही भूल गया हूँ, क्वेश्चन तो छोड़ो थ्योरी भूल गया हूँ। ऐसे में डर लगता है कि कुछ महीनों में ही नया साल आने वाले हैं, नए एग्जाम के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, IIT नेस्ट JEE नीट फर्स्ट अटेम्प्ट शुरू हो जाएगा, इतने लाखों बच्चे उन एग्जाम्स को देंगे और मेरा कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, मेरा तो सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ है, सिलेक्शन कैसे होगा, फिर पेरेंट्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो आगे मेरे फ्यूचर का क्या होगा। अब सभी लोग इतने ज़्यादा परेशान हो और इस परेशानी के कारण पढ़ भी नहीं पा रहे हो, पढ़ने की कोशिश तो बहुत कर रहे हो लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है। आप सभी बच्चों के बहुत सारे ये कमेंट्स आ रहे थे, एंड मैंने आपको बताया भी था कि कैसे इनको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि कोई एक स्ट्रैटजी, कोई प्लान, कोई रिसोर्स नहीं है। आप तो सिर्फ थ्योरी पे भी ध्यान नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर अभी तक थ्योरी नहीं ख़त्म हुई है तो आगे भी थ्योरी नहीं हो पाएगी, और क्वेश्चन कब प्रैक्टिस करोगे। कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी प्रेस या पेपर सॉल्व करने जाओ तो एक साथ पूरा सिलेबस उनमें है, लेकिन आपका तो सिलेबस ही ख़त्म नहीं है, तो उनको सॉल्व कैसे करोगे। और जब नंबर नहीं आते तो एकदम डीमोटिवेटेड फील होता है, हताश फील होता है, जब तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये बच्चा है रोहित, आज ये आइजर भोपाल में है। इसने हमें मैसेज किया था कि भैया क्या कुछ हो सकता है, इज़ इट पॉसिबल टू गेट एनी गुड इंस्टीट्यूट इतने कम नंबर पे। हमने उसे बोला था कि अगर मेहनत करोगे तो हो जाएगा, बस 3-4 महीने की मेहनत पे आज वो आइजर भोपाल में। कई सारे हमें स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं हर साल एग्जाम होने के बाद कि भैया मैं बीइंग अ PCM स्टूडेंट मैंने 9 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस बायो के अटेम्प्ट कर लिए। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट हैं कुछ साल पहले जिनको ये बेसिक चीज़ें नहीं आ रही थी, और आज वो आइजर पुणे, आइजर कोलकाता जैसे इंस्टीट्यूट में। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि हाँ, समय चला गया है लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। अगर कुछ बच्चे 3-4 महीने की अच्छे से प्रिपरेशन में क्रैक कर सकते हैं तो फिर भी आपके पास 5-6 महीने तो है ही कम से कम। बस समस्या ये आती है कि आगे आपको स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए। कैसा हो सकता है कि आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते जाओ एंड एट द सेम टाइम आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाए एंड आपके मार्क्स इंप्रूव होना शुरू हो जाए। ये सभी बच्चों के फीडबैक जो आप देख रहे हो, ये सब के सब मैंने चुन चुन के उन बच्चों के लगाए हैं जो डिमोटिवेटेड थे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिप्रेस थे कि कुछ नहीं हो सकता इनका, लेकिन आज ये अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में है। आपने इतना सुना होगा सायस्त्रा के मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने सारे क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो जाते हैं IIT और नेस्ट जैसे एग्जाम में। बच्चे तो शॉक हो जाते हैं एग्जाम में जाते ही कि ये तो क्वेश्चंस मैंने 2 दिन पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स में सायस्त्रा के वीडियो में देखा था और आज वो एग्जाम में आ गया है। 15 में से कम 9 क्वेश्चंस तो इनडायरेक्टली हमारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस ही आ जाते हैं, और कई क्वेश्चंस तो एग्जैक्ट भी आ चुके हैं IIT examination as well as NEST examination। आपने कितने बच्चों के फीडबैक्स देखे होंगे कि भैया आप मॉक टेस्ट सीरीज क्यों नहीं लाते हो। कई बच्चे तो हमें ये भी कमेंट करते हैं कि भैया मैं JEE या NEET की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है। कई लोग बोलते हैं मैं विक्रम और होमी जैसे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या मैं मॉक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकता हूँ मार्च तक। आप सभी के इतने सारे कमेंट्स, रिक्वेस्ट और डिमांड के बाद सायस्त्रा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ला रहा है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, एक ऐसा मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से लेके क्लास 12th के लास्ट चैप्टर तक आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज जिसको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है IIT और नेस्ट के बाय द मेंटर्स ऑफ SC बैंगलोर, 7 आइजर्स, नाइजर, ISI, CMI एंड सो ऑन। एक ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें आपको मोर देन सफिशिएंट मॉक टेस्ट मिलेंगे, पार्ट वाइज आपका सिलेबस कवर कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे और सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस आपको मिलेगी, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जहां आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। ऑल ओवर इंडिया जितने लोग भी इन मॉक टेस्ट को देंगे उन सब के बेसिस पे आप अपनी रैंकिंग कर सकते हो और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के साथ खुद को पुश कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो और अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। और इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने आपके लिए एक स्पेशल शेड्यूल भी बनाया है जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप आराम से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाओगे एंड आप अपना पूरा सिलेबस भी रिवाइज कर पाओगे।
सबसे पहले बात करते हैं IIT 2025 के लिए लेटेस्ट पैटर्न मॉक टेस्ट की। 1 दिसंबर को आपको पहला मॉक टेस्ट होगा जिसमें क्लास 11th का 25% सिलेबस खत्म होगा, आपके इनिशियल के चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। अगला मॉक टेस्ट होगा 15 दिसंबर को, एंड फाइनली 29th दिसंबर को जो मॉक टेस्ट होगा इसमें आपके आधा क्लास 11th का सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद अगला जनवरी में 12th जनवरी को मॉक टेस्ट होगा और 26 जनवरी को होगा, जिससे आपका पूरा क्लास 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। फेस टेस्ट 2 में आपको पूरा क्लास 11th का मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। इन हर मॉक टेस्ट का सिलेबस आपको इंडिविजुअली 25% के चंक में दिया हुआ है। अब आ जाता है फरवरी। फरवरी में आपको क्लास 12th का बेसिकली पार्ट टेस्ट 5, जिसमें क्लास 12th का फर्स्ट 25% सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 25% सिलेबस, एंड 23rd फरवरी तक आपको क्लास 12th का भी आधा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्लास 12th के रिमेनिंग पार्ट 7, पार्ट 8 की, एंड फाइनली बाय 29th ऑफ द मार्च आपका क्लास 12th का सिलेबस भी कवर कर दिया जाएगा। इस तरह आपका पूरा क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा बाय 9th ऑफ द मार्च फॉर IIT 2025। एंड जस्ट इमेजिन, आपने ना सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है बल्कि थ्योरी भी रिवाइज की है। 15 दिन का गैप मिल रहा था हर एक मॉक टेस्ट के लिए, एंड एट द सेम टाइम हर नए मॉक टेस्ट में पुराना सिलेबस भी इंक्लूड रहेगा। आपके फेस टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट टेस्ट में तो सिर्फ उस पार्ट का मॉक टेस्ट होगा। नाउ अभी आपका खत्म नहीं हुआ, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग 6 और भी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करेंगे, एंड आपका और अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। इस तरह आपको टोटल 18 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। हर मॉक टेस्ट के बाद लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस होगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी हमें मैसेज कर सकते हो, टैग भी कर सकते हो, एंड सभी में आपको ऑल ओवर इंडिया आपकी क्या रैंकिंग है, क्या स्कोर है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ये रहा IIT 2025 के लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 2025 के लिए भी सिमिलर सिलेबस, जहां आपका हर संडे मॉक टेस्ट हो रहा था, यहां आपका हर सैटरडे मॉक टेस्ट होगा। पार्ट 1 7 दिसंबर को, पार्ट 2 21 दिसंबर को, एंड दोनों को मिलाकर क्लास 11th का हाफ सिलेबस कवर हो जाएगा फेस टेस्ट 1 4th जनवरी को। एंड सेम वे बाय मार्च, आपका बाय 8th ऑफ द मार्च पूरा क्लास 11th पूरा क्लास 12th का सिलेबस कवर कर दिया जाएगा, एंड रिमेनिंग 6 मॉक टेस्ट में फुल सिलेबस आपको मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आप सभी बच्चे इस स्ट्रैटेजी और शेड्यूल को खुद भी फॉलो कर सकते हो अपने सेल्फ स्टडी के लिए, ताकि आप भी अगले 4 महीने के अंदर अपना 11th 12th का सिलेबस खत्म कर पाओ, एट द सेम टाइम पुरानी चीज़ें रिवाइज भी कर पाओ। ना ये जो सारे मॉक टेस्ट है ना, फ्रेशली प्रिपेयर किए गए हैं हमारे टीम के द्वारा। ना तो आपको विक्रम बैच में मिलेंगे, ना ही कलाम बैच में, ना ही होमी बैच में। ये बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे थे हमसे कि भैया विक्रम कोर्स में, कलाम बैच में भी कि क्या और मॉक टेस्ट हम कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप सभी के लिए हमने और भी चीज़ें ला दी हैं। नाउ बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि भैया मैं विक्रम और कलाम बैच नहीं ले सकता, या फिर मैं ऑलरेडी जेई नीट की प्रिपरेशन कहीं से कर रहा हूँ तो सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, तो क्या आप मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर सकते हैं? तो आप सभी के लिए हमने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। चलिए देखते हैं, जैसा मैंने बताया, बेस्ट हाई क्वालिटी IIT 2025 मॉक टेस्ट विद लेटेस्ट पैटर्न, ओवर 18 मॉक टेस्ट विद डिटेल सॉल्यूशंस, लाइव मॉक टेस्ट डिस्कशन एंड रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे ऑनलाइन CBT मोड में, आपको पूरी एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी फॉर ऑल इंडिया रैंक्स एज वेल, इंटरेक्शन सेशन होंगे विद द टॉप मेंटर्स इन दीज प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होंगी, एंड प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी आपको दिया जाएगा। ये पूरी मॉक टेस्ट सीरीज आपको 2999 के अंदर लॉन्च हो रही है, लेकिन टिल 25th ऑफ नवंबर आपको मिल जाएगी इन जस्ट 1999 फॉर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड सेम वे आपको जो नेस्ट की मॉक टेस्ट सीरीज है, सेम फीचर्स के साथ, सेम प्राइस के साथ आप नेस्ट के लिए भी अवेल कर सकते हो। नाउ विक्रम के कलाम बैच के स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर रहे थे कि भैया हमें और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो आप सभी के लिए ये आ चुका है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैं जेई नीट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहा हूँ तो सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज करना चाहता हूँ, सिर्फ मॉक टेस्ट करना चाहता हूँ, तो कब लाओगे आप सीरीज, तो आपके लिए भी आ गई है। बहुत लोग जो बोल रहे थे कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है विक्रम और कलाम बैच का, उन्हें लग रहा था, तो आपके लिए हम सिर्फ 1999 में पूरी IIT की 18 मॉक टेस्ट विद ऑल ऑफ दीज फीचर्स ला चुके हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, और 25th
नवंबर तक आपको ऑलरेडी 30% डिस्काउंट 33% डिस्काउंट के साथ ये सारी मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। पूरा आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पाओगे और रिवीजन भी कर पाओगे विथ गाइडेंस फ्रॉम द टॉप मेंटर्स, एंड एट द सेम टाइम आपको बाकी सभी बच्चों के साथ ऑल ओवर इंडिया में रैंक में मिल जाएगी। नाउ विद दैट आई होप ये स्ट्रैटेजी, ये शेड्यूल आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड चाहते हो मेरे से पर्सनली बात करना तो हर फ्राइडे को मैं सेशन करता हूँ, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड शास्त्र ऐप में कभी भी मैसेज कर सकते हो। विद दैट ऑल द बेस्ट, सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। जय हिंद।